अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथियों, सब लोग जो दिल्ली के अलग अलग इलाकों से, दिल्ली की आम जनता, विद्यार्थी, नौजवान, शिक्षक, कर्मचारी, छोटे मोटे काम धंधा करके अपना जीवन जीने वाले आम इंसान, महिलाएं, बच्चे जो इस मार्च में शामिल होने के लिए आए हैं, जेएनयू का पुराना विद्यार्थी होने के नाते, उस परिवार का सदस्य होने के नाते आप सबका धन्यवाद करता हूं, आपको शुक्रिया अदा करता हूं, आपको थैंक यू कहता हूं। और विशेष रूप से स्टूडेंट यूनियन और टीचर एसोसिएशन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ऐसे वक्त पर, जब जेएनयू की चर्चा दिल्ली को बताने का काम किया है कि देखिए हमारा सर क्यों फोड़ा गया है, हमारी खून क्यों बह रही है, ये आपने जगाने का काम किया है। करप्ट हो गया तो माइक मोदी जी के नियत की तरह है। अपना कार नहीं खरीद कर पा रहे हैं तो पड़ोसी जब कार खरीद के लाया है तो कह रहे हैं कि इसका रंग अच्छा नहीं है। कोई उसको याद दिलाइए कि साहब ये आपका काम है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं हो रही है, तो ये आप जाकर के विद्यार्थियों से बात करेंगे, आप जाकर के अपने शिक्षकों से बात करेंगे, आप अपने कर्मचारियों से जाकर के बात करेंगे। दीपिका पादुकोण जेएनयू की वाइस चांसलर नहीं है। मेरा प्रश्न यह है कि आपके घर में कोई घायल हो जाए और जो
हेड ऑफ फैमिली है, परिवार का मुखिया है, वो उससे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। वाइस चांसलर बोले हैं कि कोई भी आके हमसे मिल सकता है, हमारा दरवाजा खुला रहता है। ऐसा तो अमित शाह भी बोले हैं कि रात को 3 बजे भी मेरे घर में आ सकते हो। बोलिए, ये निमंत्रण है कि धमकी? क्या है ये? वाइस चांसलर कह रहे हैं कि कोई भी आके हमसे मिल सकता है। आपके परिवार का मुखिया अगर कहे कोई एक्सीडेंट घर में हो गया हो कि टूटा हुआ टांग लेकर के कोई भी आकर के हमसे मिल सकता है, ये कितनी अजीब बात है, इसके बारे में सोचिए। वाइस चांसलर जो घायल स्टूडेंट है उससे मिलने के लिए नहीं गए। मुझे तो एबीवीपी पे भी दया आती है, उसी से मिल लेते हैं। सेल्फी भी एबीवीपी हो जाती है, सेल्फी भी टूटे हुए एबीवीपी। क्यों नहीं मिले? ये माइक हटाओ। आपका कुलीग कहते हैं कि स्टूडेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट का ऑर्गेनाइजेशन के बीच में आपस में झड़प हो गया, तो भाई टीचर का सर क्यों फोड़ दिए? टीचर कौन सा स्टूडेंट का ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है? इसको समझने का जरूरत है कि यह बहस क्यों खड़ा की गई है। यह बहस इसलिए खड़ा किया गया है ताकि आप क्रोनोलॉजी समझते रहिए और ये अपना क्रिमिनोलॉजी चलाते रहिए। ये अपराध है और इस देश के गृह मंत्री के ऊपर तरीपार होने का आरोप नहीं है, वो तरीपार थे। उनको गुजरात से बाहर कर दिया गया था। सुन लीजिए दिल्ली पुलिस के हमारे प्रिय आईपीएसों, आप जो है एक तरीपार का गुलामी करना बंद कर दीजिए। आप आईपीएस हैं, हमें से बहुत सारा स्टूडेंट आईपीएस बनना चाहता है। आप लोग ऐसा कीजिएगा तो इरादा बदल लेंगे। और वो जो देश के अंदर बहस खड़ा कर रहे हैं, उस बहस पे आप सवाल खड़ा कर दीजिए तो इंटरनेशनल बोलने लगते हैं। दीपिका पादुकोण जब मोदी जी का कैंपेन कर रही थी तो देशभक्त, जेएनयू में आ गई तो देशद्रोही हो गई। कितनी अजीब बात है, इस देश का नौजवान का सपना आप उससे छीन रहे हैं, उसके पढ़ने लिखने का अधिकार आप उससे छीन रहे हैं। इस देश में गरीब लोग अपनी पढ़ाई नहीं कर सके, आप उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। आप सीधे तौर पर यह साजिश कर रहे हैं कि अगर जेएनयू जैसे संस्थान बंद नहीं होंगे तो जेएनयू यूनिवर्सिटी ऑफ एमिनेंस कैसे बनेगा? सोच के देखिए, जेएनयू अगर रहेगा, 150 रुपए में पीएचडी कराएगा, बसंत कुंज में, साउथ दिल्ली में, पहाड़ों के बीच में, पेड़ों के बीच में, तो हमको माथा में कुत्ता काटा है कि हम जियो यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाएंगे। ये क्यों है? ये इसलिए है कि जब तक बीएसएनएल भाई साहब नहीं लगेगा, नहीं बनेगा, तो जियो धन धनाधन कैसे होगा? बोलिए, जियो धन धनाधन कैसे होगा? आप लोग भी धनाधन कर रहे हैं ना? यहां मैं जरा गांधी को ले आता हूं। गांधी चरखा क्यों काटे थे, क्या लगता है आपको? उसमें इकोनॉमी की लड़ाई नहीं थी? चरखा क्यों काटे थे? ताकि मैनचेस्टर के कपड़े को नहीं पहनेंगे भारत के लोग। अगर आपको लगता है कि जेएनयू को बचाने की लड़ाई सिर्फ जेएनयू को बचाने की लड़ाई है, ऐसा नहीं है। जेएनयू को बचाने की लड़ाई इस देश में बीएसएनएल को बचाने की लड़ाई है, रेलवे को बचाने की लड़ाई है, एयर इंडिया को बचाने की लड़ाई है, पत्रकारिता को बचाने की लड़ाई है, नागरिक अधिकारों को बचाने की लड़ाई है, संविधान और देश को बचाने की लड़ाई है। ये बात हम तमाम लोगों को समझना चाहिए। और गुस्सा मत होइए, आप भक्त भक्त बोल करके उसकी भावनाओं को हर्ट मत कीजिए। आप ही सोचिए, आपको अगर किसी से मोहब्बत होगी, उसके बारे में खराब बात बोलेगा तो बुरा लगेगा ना? तो आप उसकी भावनाओं को हर्ट मत कीजिए, सिर्फ उससे यह पूछिए, दोस्त आओ चाय पीते हैं, तो थोड़ा हम भी चाय पर चर्चा कर लें। ये बताओ, एक ही तो दिल है तुम्हारे पास, मोदी जी जीत लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दिल तुम उनको दे दिए, दिल दे चुके सनम, दिमाग तो है।
बात। अब सोच के देखिए, दिल्ली का चुनाव हो रहा है, करोड़ों लोग यहाँ पे रहते हैं, दिल्ली की अपनी समस्याएं हैं, दिल्ली में लोगों के फेफड़े खराब हो रहे हैं, एडवाइजरी जारी होता है कि सुबह टहलने के लिए नहीं निकलिए, जबकि कहा जाता है कि सुबह टहलने से लोग स्वस्थ रहते हैं, दिल्ली में अस्वस्थ हो जाते हैं। ये दिल्ली की समस्या है। LKG में UKG में एडमिशन कराने के लिए माँ बाप को तब से ही चिंता होने लगती है जब वो BR प्रेग्नेंट हो जाते हैं। ये सच है कि इंटरव्यू की तैयारी करते हैं बच्चों से पहले माँ बाप, LKG UKG में एडमिशन कैसे होगा। लोगों के पास पार्किंग की समस्याएं हैं, कार खरीदना चाहते हैं लेकिन लगाने की जगह नहीं है। जहां पे दोस्त ऐसे मोहल्लों में रहे जहां कार ले जाने में दिक्कत हो तो दोस्ती छूट जाती है। लोग जो है वैसी जगह पे गेट टुगेदर करना पसंद करते हैं जहां पार्किंग हो सके। दिल्ली के लोग साफ हवा, साफ पानी, अच्छी शिक्षा, बिजली, सुरक्षा ये मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारे पास तो कोई मुद्दा है नहीं, इसीलिए हम JNU के नाम पे चुनाव लड़ेंगे। बताइए, एक यूनिवर्सिटी दिल्ली के एक कोने में पढ़ लिख रहा है, कुछ बोल रहा है, और आप इतने स्पेशल नहीं है साहब कि आप आए हैं तभी बोलना शुरू किया है। अरे हम ऐसे नहीं है, हम कोई न्यूज चैनल चलाते हैं क्या कि पैसा लेकर के बोलेंगे? जो सही लगता है सही बोलते हैं, जो गलत लगता है गलत बोलते हैं। आपसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है क्या? कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। और आपके भीतर, इस देश की जनता के भीतर जिस तरीके से JNU के खिलाफ नफरत भरा जा रहा है, आपको सिर्फ ब्लड प्रेशर का बीमारी होगा, हाइपरटेंशन होगा, आपकी कोई समस्या का समाधान नहीं होने जा रहा है। जितना गाली देना है आप दे लीजिए, जितना एंटी नेशनल कहना है कह लीजिए, इससे आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, इससे आपको सुरक्षा नहीं मिलेगी, इससे आपको इस देश में बेहतर बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलेगी। ये JNU में उलझे रहते हैं, हम भी समझते हैं, आपका खुन्नस हमको समझ में आता है, एडमिशन होना इतना आसान बात थोड़ी है। इतना आसान बात। एक पत्रकार आकर के बोले कि सरकार कह रही है कि JNU में राजनीति क्यों होती है। बोले JNU में लोग राजनीति पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है वहां पे, और तो और मोदी जी भी इंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़े हैं। डिग्री नहीं है उनके पास, है कि नहीं है हम नहीं जानते हैं, हम पढ़ते हैं, देख भी लीजिए हमारा। आप लोग वहां जो है 35 साल PhD करते हैं, गजब बात करते हो यार, 35 साल में हम PhD कर लिए तो अपराध कर दिए, अब मोदी जी MA किए वो भी डिग्री नहीं दिखा रहे हैं तो बजाओ ताली। ये कैसी बात है, किन चीजों पे बहस कर रहे हो? कह रहे हो कि JNU में पार्टी होता है, दिक्कत है, पार्टी नहीं होना चाहिए, तो आप क्यों बर्थडे पार्टी करते हैं? तो आपको क्या लगता है कि JNU में लोग पैदा होकर के नहीं आए हैं? JNU में तो लोग पैदा होकर के आए हैं ना, उनका भी कोई बर्थडे होगा ना। अरे कम से कम इस जनरेशन का तो होगा ही जो इंस्टाग्राम चला रहा है। एक दिन अम्मा को हम पूछे, अम्मा तुम कब पैदा हुई? तो बोली बारिश का मौसम था, भैंस को तो बच्चे हुए थे। हम बोले अब भैंस को जाके कैसे पूछे, बताओ तुम कब प्रेग्नेंट हुए थे? ये जनरेशन है, बोली ये पार्टी नहीं करेगा, करेगा पार्टी, दिक्कत किस बात है? एक बात बता दीजिए कि हमको भाई इस बात से दिक्कत है JNU से, कोई एक चीज बता दीजिए, किस बात से दिक्कत है? से दिक्कत है, पता नहीं गिनती कैसे गिना, नजीब को आज तक नहीं ढूंढ पाए, JNU के डस्टबिन से 3000 कोंडोम। विजुअल से बात करो, डस्टबिन के पास कंडोम गिन रहे हैं, शराब का बोतल गिन रहे हैं। अरे भाई, हमारे सिगरेट पीने से
दिल्ली की हवा नहीं जो पीता है फोटो लगा हुआ है भाई उस पे, कि अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं तो फोटो देख लीजिए, वो अपना फेफड़ा खराब कर रहा है। अगर स्टूडेंट नहीं पढ़ेगा तो वो अपना भविष्य खराब करेगा। स्टूडेंट की बड़ी चिंता हो रही है, स्टूडेंट के नाम पे राजनीति हो रही है। उल्लू समझते हैं क्या अपने जैसा? हमारे नाम पे कोई राजनीति कर लेगा? हमको बुद्धि नहीं है,